पूर्वोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे मन्त्राकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महापतञ्जलाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विजे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाने कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः अङ्गश्यामलिङ्गताभिरभितो मन्दिरकेन्द्रीवरम् जाटंजाग्रोत्समितदसंपत्तंबरस्यास्यविंदारंदनिवासिनमुद्रिदशतामाप्यायाः न जीवामि त्वया विना द्वितीय जाम में अनर्थ निवृत्ति की बात कही है। जो लोग हरिनाम करते हैं किंतु अनर्थ निवृत्ति की चेष्टा नहीं करते और श्रद्धापूर्वक नहीं करते, वैष्णव का अनुगत भी नहीं करते, तो उनका नाम शुद्ध नहीं होगा। नमा भाष होगा कि नहीं, ये भी ठीक है। कबू नमा भाव सदाई नमा प्राण, ये सब ज्ञानी में भाई की शुद्ध नाम लेने की चेष्टा करो, अंतत तो नमा भाष को होना ही चाहिए। इस प्रकार से बतला करके अब ज्ञान का भजन अर्थात निष्ठा, अनर्थ दूर होने पर निष्ठा, निष्ठा मैंने बुद्धि का स्थिर हो जाना। कृष्ण हमारे परमाराध्य है, उनका भजन ही हमारा काम है, वही हमारा साधन है। इतर से बुद्धि निष्ठ हो जाए, किंतु बुद्धि स्वाभाविक नहीं, जैसे रुचि आसक्ति में होता है, बुद्धि पूर्वक मन को स्थिर किया जाता है। जो लोग मन के और बुद्धि को लगाम को छोड़ देते हैं, मन को स्वतंत्र रखते हैं, उनकी बुद्धि चंचल हो जाती है, विषयों में आसक्त होकर के भजन से दूर। बहुत से लोग भजन करने के लिए आए, घर बार छोड़ करके अच्छे काम के ब्रह्मचारी लोग, और शुद्ध रूप में अनर्थ दूर करने की चेष्टा नहीं की और अच्छी तरह से श्रवण नहीं किया, फल यह हुआ कि उसी अंधकार में चले, बल्कि और कुछ वैष्णव अपराध कर। इसलिए सावधान होना चाहिए। इसके लिए कहते हैं निष्ठा भजन में एक बात करनी होगी, भजन में छिलो बड़ो सा अपना कभी श्लोक पर लगे तो लोग बात। भजन करने की तो बहुत इच्छा थी, भजन करेंगे, किंतु भजन करने आकर के जिसको चार गुणों की जरूरत है वो भूल नहीं,
बिना कपी सुनी चैन और सर कपी सही सुनना हमारी ना मान के न शिक्षास्त्र के श्लोक स्तर बाय स्तर कहे गए। पहले नाम नाम कारी कहा, इस प्रकार से दीन ही होकर के नाम अर्थ करना चाहिए। अब इसमें बदला निष्ठा कैसे आएगी, पीड़ा कभी सुनी तीन के ऊपर में पैर रखने से वो नीचे चला जाता है किंतु फिर ऊपर उठ जाता है। वैष्णव लोग इससे भी अधिक सुनीच होने तरुणों की सहिष्णुता वृक्ष की अपेक्षा भी सहिष्णु हो। वृक्ष को गाली दो तो वो क्या करेगा, मारेगा नहीं मारेगा। तो हमको गाली देने से हम तो मारने बैठते हैं तो सहिष्णुता क्या, उस तरुणों वृक्ष वृक्ष की जड़, वृक्ष की डाल, वृक्ष की छाया, वृक्ष का फल, सब कुछ परोपकार के लिए होता है। अपने लिए सूखने पर भी पानी नहीं मांगता, मरने पर भी फल देता है। इस प्रकार का सहिष्णु होना चाहिए। हमारी ना अपने लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं चाहो और दूसरे को यथाजोग्य उसमें कृष्ण है इसलिए वो जीवित है इसलिए उसको मान दो यथाजोग्य, जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में मानने दो। ये करने से नाम संकीर्तन तुम्हारा क्रमशः नवाभास और उससे भी शुद्ध होकर के शुद्ध नाम हो। ये रूप लैले नाम प्रेम उपजर महाप्रभु जी कह रहे हैं राय रामानंद से और स्वरूप नाम जितका से नाम लेने से प्रेम उदय होता है उसका उपाय सुनिए, उसका लक्षण सुनो। उत्तम भैया अपना के माने उत्तम होकर के भी सब गुण में गुणी होकर के भी अपने को दीन सुनीच मानता है। दो प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष जन काटे नहीं कुछ ना बोला है सुखा या मैले कारण पानी ना मांगे यही जे मांगे ता दे अपन का। वृक्ष काटने पर भी पानी नहीं वो कुछ नहीं करता प्रतिकार नहीं करता और सुख जाने पर भी किसी से पानी भी नहीं मांगता और जो उसका फल चाहता है यदि मारे पत्ता तो उसे फल देता है। और धर्म वृष्टि सहे करे आने अपने तो सूर्य के तेज को और वृष्टि को सहता है दूसरों को छाया से रक्षा करता है। यदि वैष्णव होने की साध हो तो ऐसे बनने की चेष्टा करो, ऐसा होने से कोई अनर्थ तुम्हारे अंदर में प्रवेश नहीं करेगा। उत्तम भैया वैष्णव होवे निराभिमान जीवे सम्मान दिवे ज्ञानी कृष्ण। प्रत्येक जीव में कृष्ण है इसलिए प्रत्येक जीव को जथा उचित जैसा वो गुरु में हो ऐसे जथा उचित सम्मान। नव योग properly free from unwanted obstacles
Nirahalai chanting Harinam with the proper degree of faith, and neither they are under the guidance of Guru and Vaishnavas, then for such a person, Kokon Namabas or the Namaparad. Sometimes they chant Namabas, but mostly it's Namaparad, chanting the holy name with offenses. Therefore, one should make appropriate endeavors to become free from anattas, and one should endeavor for Sudanam, or the chanting of the pure name. Therefore, as one becomes free from unwanted desires, one reaches the stage of Nishta, or fixed intelligence. At the stage of Nishta, then one's endeavors are called Buddhi Purva. One is endeavoring by strength of one's intelligence. Then at the stage of Nishta, one's intelligence is fixed. One can understand then that Krishna is my Aradhya, my worshipful deity. He is my goal, he is my Ishtadev, he is everything. But at the stage of Nishta, this is coming from the intelligence. If the mind is not controlled by the intelligence, then the mind will be independent and will thus become attached to material objects. Therefore, many, many brahmacharis have come for devotional service, but because of not endeavoring properly to become free from anattas, nor hearing properly from the mouths of Gurudev and the senior Vaishnavas, or because of some aparad, Vaishnava aparad, again they went back to ignorance. Therefore, there is one verse, I had a great desire to become a Vaishnava, but there was one block, one obstacle, that was the Trinada Pisunichena verse. In this verse, Trinada Pisunichena, Tarodiva Sunichena, Amanira Manadeva, Kitanya Sarahari. In this verse, there are four qualities that one should acquire in order to Kitanya Sarahari, to continuously chant the name. They are Trinada Pisunichena. Therefore, accordingly, in the Shikshastik verse, the second verse of Shikshastik, Nam Namakari Bahodo Nirvashadva Shaktis, here is indicated Anatma Vritti. And being most humble, one should then chant the third verse, which indicates the stage of Nishta, Trinada Pisunichena. One should be more humble than a blade of grass, because when you tread on a blade of grass, after some time the blade of grass comes up again. But a Vaishnava should be more tolerant, more humble than even a blade of grass. One should be more tolerant than a tree, because one abuses a tree, one beats a tree, but still the tree gives its fruit to that person who cuts it down. Everything the tree possesses, its branches, leaves, twigs, fruits, bark, and shade, all this for the benefit of others. Even though it is very hot, that tree does not ask anyone for water. Therefore, one should become like that, a manina. One should not desire any name or fame for oneself. And also manaveda. Understanding that Krishna is present in the heart of all jivas, no matter who they are, one should offer respect. Also, one should offer respect according to the qualities or position of that person. By chanting the holy name with these four qualities, then the pure name may come. See Mahaprabhu said to see Ramananda Roy, Jerup Nam Loile Prema Upajari. Accordingly, to that degree, one chants the holy name, to that degree, prema will manifest in the heart. Therefore, what are the symptoms of that person whose prema has entered the heart? What are their symptoms? All good qualities will be there. Especially, they will be very, very humble. Just like a tree that never asks for water, even in the summer months. And if you beat the tree, he gives you fruit. Even though he tolerates the burning of the sun, he gives his shade to others. Therefore, one who does like this, who performs bhajan according to this verse of Shikshastik, then the anattas will never enter inside of us. Therefore, also understanding that Krishna is inside the heart of all living entities, one should offer respect according to that person's position. Anukullasya sankalpa, tatukullasya vibhajanam, rathasya piti pipiswato, gopitve varanam tatha, atmanikshepa karune, bhavsarvidha sarnadi. भगवान के प्रति भजन करने के लिए
भगवान ने भजन करते के लिए शरणागति अवश्य चाहिए। यदि शरणागति ना थाके ताहले चित्त चंचल भी हमारे रक्षक नाय भाव आसने बोल भक्ति जहाँ अनुकूल ताहाई स्वीकार भक्ति जहाँ अनुकूल से वस्तु के स्वीकार और जे वस्तु जे व्यक्ति भक्ति प्रतिकूल है तार कोनो दिन संग करबे ना दूर करबे ना। कृष्ण वही रक्षा करता आर नहीं के हो कृष्ण छाड़ा आर के वो हमारा रक्षा करता न हो कृष्ण ही एकमात्र हमारा पालन कर कृष्ण जब ही हमारा रक्षा हो कर रक्षा करता हूं हमारे कृष्ण के यदि पूर्वी श्वास थाके में कृष्ण निश्चय रखा हो ताले को कष्ट आसले विपत्ति आसले हाव तास करवान दरकार होए वही हरे कृष्ण ठाकुर हरिदास ठाकुर ने ऊपर से विपत्ति आसो मुसलमान नाता के 22 बजारे के उड़ा दिया मार तेरी तुम्हारा मारो ना बोलेंगे कोनो प्रतिकार करेंगे इनी चिंता कर ले अथवा करें ये जो तुम भक्त बन जा कुछ विधान भगवान ने इच्छा छोड़ा हो ये तो भगवान ने कृपा राखू अथवा मारू अमित कहा 22 बजार मारने प्राण बिड़ौलो ना जखन अपन होरा बोले के प्रभु আপনি চিন্তা ফ্রি এত মাত্রে করেন নাই আপনি না মরলে তো আমার মনুষ্যকে ফাঁসি দিয়ে দিব তখন তিনি বলে আচ্ছা তখন প্রাণ বাইর করবো তো করে নিবে করে নেবে তখন ওরা মনে করবে যে মরে তখন জিজ্ঞাসা করে উত্তর তো মরে গেছে কি করবো ওই গঙ্গা নদীকে ফেলে তো যাতে আর তার কোনদিন গতি না হয় গঙ্গা নদীতে ফেলে দিল আর তিনি হরে কৃষ্ণ করতে করতে পূর্ব শরীরের মতো যদি ভজন করবার ইচ্ছা হয় এইরকম ভাবে সহ্য করতে হবে আমাদের পূর্ব কর্মের দ্বারা হয়েছে কৃষ্ণের কৃপা করে এইসব বুঝি সহ্য করবার তারপরে আমাদেরকে প্রীতি দিবেন এরকম ধৈর্য ধারণ করতে হবে কৃষ্ণ যদি রক্ষা করেন এই বিশ্বাস তাহলে হে বাবা রক্ষা করুন হে মা রক্ষা করুন হে ভাই রক্ষা করুন হে মাকে বাঁচাও বাঁচাও এটা বেড়ে বক এই জন্য ভাই কৃষ্ণের উপরে চে অটুট শ্রদ্ধা রাখ বিশ্বাস রাখবে তিনি আমাকে রক্ষা করবে জানো মহারাজ অম্বরীশ প্রস্তুত আছেন ওই দুর্বাসা তাকে মারবার জন্য কৃত্যা রাক্ষসী কেতু তিনি চুপচাপ দণ্ডমান হাত জোড়ে বসে একটু ভয় নাই মরতা হ্যাঁ মরবো পাঁচ করে না তারপরে সাক্ষাৎ চক্র আসলো এক সেকেন্ডে কৃত্যাকে ধ্বংস করে উনাকে উত্তরাস এই যে রকম ভাবে ভগবানের উপরে বিশ্বাস রাখতে মৃত্যু করুন দিন ফল করতে অত নিশ্চিন্ত চিত্ত হয়ে ভজন করতে ইদম শরীরম परिमाण पेशव इदम शरीरम सपस जंतरम
पतत्तवस्कं परिमाण किम् औषधं पृच्छसि मूढ दुर्मते निरामयं कृष्ण रसायनं। यही शरीर सप्त स्वरूप जड़ बेसी से बेसी एक सौ वर्ष तक जीवित थे तापर मरते ही होते चाहे 120 125 150 मरते ही सब पतत अवश्य परिमाण अवश्य पतित हो गए मृत्यु मुखे जाते नाना रकम रोग आसपे बुढ़ापा आसपे वृद्धावस्था आसपे दुख हो गए डॉक्टर वैद्य कहते सब समय औसत नहीं है वही व्यस्त चित्त चंचल कि भगवान ने बोल बोल कि औषधि अरे कि औषध जिज्ञासा पर चाहिए तुम्हें कृष्ण नाम रसायन कृष्ण नाम रसायन ताकि तुम्हारे आज की व्याधि समूल नष्ट हो आज कोनो दिन व्याधि जब तक औषधि खेले आबार जन्म मरण वृद्धावस्था कृष्ण नाम कर ले आज जगते ही आज से हमें ना उन्हों रोगों तक में ना एक जन्म केवल दिल हो गए निष्ठा पूर्वक ना हो भक्ति विनोद ठाकुर कौन से ने व्याख्या सतसंधि जन जन एक सौ पचास हो रहे ना सभी नाना प्रकार क्लेश आज एक दिन पतित हो मृत्यु आ मृत्यु होने की हमें हाय पशु हो गए जानते थे ना जाने की कृमि कीट हो गए आज यहां से मम्मा चाहो और ममता करना ये सती ले ओरे मन सुन मोर ये सत्य वचन अवश्य जावे सही ममता करना हरि भजन कर संसार सुख चाहो ना विवाह करे सुख हो मूर्ख डबल मूर्ख आज पर्यंत से के भय नहीं तुम्हें सुख जब विवाह कर लाई जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी हो विवाह करे घर पर है तुम्हें सुख हो कखन हो ना एक पूर्वे कत बार विवाह हो और तुम्हार से थी बेसी कुकुर शिकार सुकर की रकम विवाह को पैसा लगे ना स्त्री पुरुष जुटे जाए मन कुछ भी लगे आज एक समय के कत ऐले मेने ते विवाह दीते खर्चा खेते खूब भलो एक विचार करो विचार करे तो वैराग्यता आसू ए रोगे महौषधि कृष्ण नाम निरोपति यही हरि भजन करवार जन्य मनुष्य जन आज कुछ यदि हरि भजन हो मन आज जब ते सुखी एक दिन नष्ट हो गई एक दिन बहुत दृढ़ विश्वास कर निष्ठा पूर्वक हरि भजन कर अनुकूल्यस्य संकल्पे प्रतिकूल्यस्य बाधनम् Here, Sri Thakur Bhaktivinoda has quoted the six symptoms of surrender, saranagati. Therefore, it is very much necessary in the bhajan of the Lord to have these six symptoms of saranagati or surrender. If there is no surrender, then the mind will become restless.
And one will think, if Krishna will not protect me, who will protect me? Then one will make one's own endeavors. Therefore, anukuryasya sankalpa. That person or that object which is opposed to Haribhajan, we should never associate with that. We should stay very far away from him. Rakshasyakabiswas. Apart from Krishna, no one will protect me. Apart from Sri Krishna, no one will maintain me. Therefore, one should have this strong faith in Sri Krishna. And with this strong faith, one should tolerate all difficulties that arise in the course of our life. Just see the example of Sri Haridas Thakur. He was beaten in 22 marketplaces, but he did not cry. Save me, don't beat me. He made no endeavor to protect himself. The suffering that comes my way is all the mercy of Bhagavan. Raghavi Mahonavi Joi Chattuha. O Krishna, whether you kill me or save me, all is your desire. Therefore, despite being beaten in 22 marketplaces, the guards approached him. If you do not die, you will cause us trouble. Therefore, Sri Haridas Thakur became absorbed in samadhi and fell as if dead. The guards approached the Chamkazi. What shall we do with the body? Then the Muslim king said, oh, throw him in the Ganga, then he will not achieve a good destination. If you bury him, maybe you may go to heaven like other Muslims. Therefore, they threw his body in the Ganga. But by the mercy of Krishna, his body became again rejuvenated and he came out of the water. Hare Krishna, Hare Krishna. Therefore, Sri Haridas Thakur taught us by this example, whether unhappiness comes or happiness comes, we have to tolerate. We should understand whatever comes in our life is a result of our previous karma. And if Krishna's, and we should understand this is Krishna's mercy. And when Krishna sees us tolerating this, then he will give us love for him. Therefore, in all conditions, one should be patient. One should maintain one's patience and steadiness. And understand Krishna will protect me. Therefore, instead of crying, oh, father, save me. Oh, brother, save me. Oh, wife, my wife will save me. One should give this up and have complete faith that only Krishna will save me. Just see another example. See Ambarish Maharaj. Even though the Rakshasi, Kitanya, that came from the curse of Durvasa Rishi, came to burn Ambarish Maharaj to death, without fear, he simply folded his hands and remembered the Lord. Immediately, the Lord sent his Sudarshan Chakra, which burned the Rakshasi to death and freed him from anxiety. There were no conditions in mind to be fixed on Sri Krishna. By doing this, one becomes free from any anxiety, even death. Therefore, if I'm not mistaken, Pariksit Maharaj spoke this verse from the Bhagavatam. O Gurudev, I'm not afraid of death, I'm not interested in any mantra or medicine, simply give me the nectar of the holy name. Therefore, this body will drop one day, in 100 years, 120 years, or 150 years even. But one day this body must die. Disease must come. Old age must come. That time if you simply run to the doctor and take many, many medicines, you will not be saved and the mind will simply be more restless. Therefore the only medicine which destroys this disease of old age, birth and death, that is Namamrita, the nature of the holy name. Therefore this body is made of 100 joints. It must fall soon. And when it falls, it will become the abode of worms. Therefore one should have no mamata, no feeling of possessiveness towards this body. O mind, listen carefully. Thakur has given his own commentary here. O mind, listen carefully. Do bhajan of the Lord. This body is made of 100 pieces. And one day it must fall. Therefore, before this body falls, one should give up all attachment to it. Therefore, man, listen very carefully. What I am saying is most true. This disease is not cured by any medicine. It is cured only by the name of Krishna. Therefore, one with complete faith, one should chant the name of Sri Krishna. Therefore, after hearing all these things, how much we are foolish, but still we are thinking of marriage or performing marriage. Therefore, such a person is not only a fool, but is. Therefore, Brahmacharis and sannyasis
should not perform these things. How many times in our previous existences we have married? Even a pig or dog or jackal is superior to us because they have marriage but without the endeavor, without the cost, and without wedding feasts. Therefore, if we should think of all these things, that even the animals are superior to us in material happiness, then vairagya, detachment, must enter our minds. Therefore, brothers, Harinama and sisters, Harinama is the only medicine. By this, the imagination of material life and viva's happiness will be destroyed. Then with Nishtha, one can perform the chanting of the name of Sri Hari. सम्मोहं कर्म केश न मे देशो अस्ति न प्रिय हे भजन तुम मां भक्त मई के चेष्टा सूर्य समदर्शी है सूर्य समदर्शी सकल प्रति तहार बराबर एक किरण गुरी जाए सब जगह प्रकाश किंतु यदि घरे भीतरे के कपाट बंद करे यदि थाके ताले सूर्य प्रकाश तार का से आसबे की आसबे न से जरना यदि कोई व्यक्ति बोले जैसे इस सूर्य मध्य बॉक्स पार ताके हमारे के प्रकाश देखे ये विचार ठीक न ठीक से जो कौन होते भगवान संतर्षी आज ताहा कारों प्रति द्वेषो नहीं कारों प्रति क्यों तार प्रियो नहीं ऐसा ठीक समदर्श क्यों तार प्रिय नहीं क्यों तार अप्रिय नहीं जे भक्त ताके भजन करे तार पर कोई रकम है तार कृपा ऐसे तार पक्षपात न ऐसे ने भजन करो जाके कृष्ण कृपा हो तार भजन करे ना कृष्ण समदर्शी होले तार ऊपर से तार कृपा वर्षित करे भजन मध्य व्याकुलता से कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजराणि सम अद्वैत मे विशत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवित पाद कप बात पित्ते कंठावलोकन विदौ भजनम कुतस्थ कोनो भक्त प्रार्थना कर हे कृष्ण हमार मानस राजहंस आज के ही अपना पाद पंकज पिंजरे के आपत हुए रस सागरे के निवास तुम्हार नाम हमार आज के ही तुम्हार नाम हमार हृदय से स्फुरित हो काल के अंदर दाता ना आज के ही काल के जब भी प्राण बेड़ा है तब हम कौप बीत पात घर घर कर सकते कष्टे से मरते हम तब हम आज नाम बेड़ा पे ना मन रखो विद्योदय यानी भजन कर वो नाम कर वो सेफ पे ना ऐसा भी सुजोग आ चें सब कुछ करे हर नाम करे भजन करो अनाय सभी तुर समय ते कौप बात घर 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 ये भिड़ गए ना सब तो ऐसा बने छटपट छटपट एक जन बोलते बिठा दिन जाए वो बढ़िया हे प्रभु हे कृष्ण हमार दिन बिठा जाके खावा दावा सूख हो गई क्या हमार मानस राजहंस आज के तुम्हार भजन करो तुम्हार नाम आज के हमारे हृदय की स्फूर्ति हो अंतई तुम्हार पास पंकज पंजरे भक्त है ठाकुर हम रसे हमार मानस हंस तुम्हार प्रेम रूपी पिंजरा से आपत्त जन प्राण प्रयाण समय से अपवाद पीट गए घर घर घुर घुर आए तखन संभव पर होवे न तखन जीवाय नाच पूर्वे तव नाम तुम्हार नाम स्फूर्ति समय छाड़ी गए इसे हवे सिद्ध का
এইজন্য দিনহীন হয়ে নিষ্কপট হয়ে ভগবানকে ডাকতে ডাকতে হবে, হরি নাম করতে হবে। সব সময় সাধু সঙ্গে যেন থাকে ঠিক, ভগবান তো পরে রক্ষা করবে, আমাদেরকে ঠিক রাখতে হবে যে আমার গুরুদেব তত বৈষ্ণবগণ আমার রক্ষক। এইটি যদি রক্ষক না থাকে তাহলে তার পতন অনিবার্য, ভজন থেকে। এই জন্য সবসময় মনে রাখবে তার শাসন মধ্যে থাকে, তিনি শাসন করলে মনে করব যে আমাকে প্রাণবন্ধু কৃপা করে আমাকে সংশোধন জন্মান, সংশোধন জন্য করছে, আর নচেত শাসন করলে বস মঠ থেকে চলে যাব বাড়ি। এর যে কুরবানি এর ভজন, কুরবানে শ্রীকৃষ্ণ রাধা পক্ষ অন্ডে ইত্যাদি খেয়ে যশোদা মা তাহাকে নানা প্রকারের শৃঙ্গার করে, তখন বলদেব প্রভু আর সব সখা সঙ্গে কোটি কোটি ধ্যানী গুলিকে নিয়ে বনেতে যাচ্ছেন উচ্চারণে। নন্দ যশোদা ব্রজবাসী মত তার পিছনে পিছনে ছুটছে, কৃষ্ণ বারবার শপথ দিয়ে ফিরাচ্ছেন কিন্তু তারা ফিরছে না, কোন রকম শপথ দিলে না পরে মানবে। সেই সময়তে শ্রীমতী রাধিকা তার সাত জটিলার নিকটে বলছেন যে আমি আমাকে আদেশ দেন, আমি সূর্য পূজার জন্য যাচ্ছি। তখন জটিলা বলে যে আচ্ছা তুমি যাও, আমিও আসছি তোমার পিছনে পিছনে, ওইখানেতে তোমাকে পূজা করা। আর শ্রীকৃষ্ণ ওই রকম হয়তো গোচার নিয়ে যাচ্ছেন, যাওয়ার সময় আর শ্রীমতী নন্দ বাবা তো ফিরছেন, আর গোপীরা পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সহজে ফিরছে না। যখন কৃষ্ণ গোচার করতে করতে ভিতরে চলে গেলেন, গরুর চরণ থেকে ধুলি উঠে যখন আকাশ থেকে ফির শান্ত হয়ে গেল তখন তার ঘরে, কিন্তু ঘরেতে মন লাগে না, ওই অবস্থাতে গোপীরা ওই গীত বেণু গীত ওইখানে বর্ণন করে এইসব লীলাকে স্মরণ করতে, লীলা স্মরণ করতে করতে তাহলে গৌ প্রমাণে Is the sun partial? The sun is equal to all and gives its rays to everybody. But if someone is closing the window and staying in their house and then criticizing the sun, well, the sun is shining on everyone but not on me. Is this proper? Is it not proper? In the same way, Bhagawan is samadarshi or equal to everyone. For Sri Krishna, no one is beloved, no one is hateful for him. But to that degree one performs Hari Bhajan, and to that degree one catches the mercy of Sri Krishna. Therefore, King Kurusheka, in his Mukunda Mala Stotra, he says, O mind, which is like a royal swan, O Sri Krishna, I pray that my mind, which is like a swan, may be bound in the lotus stem of your feet. May your name manifest in my heart today, because at the time of death, my throat will become full of mucus and will make a rattling sound, yah, yah. At that time, how will I remember you? Therefore, Sri Krishna, I am praying for remembrance of you now. At the time of death, one will be very restless, very difficult to remember Sri Krishna. Therefore, he is praying that the name may manifest in his heart today, now. And that way, his mind will always be bound to the feet of Sri Krishna. Therefore, always stay in Sarasanga, the association of the devotees, understanding that Sri Gurudev and the pure Vaishnavas will always protect us. Some chastisement, we should understand he is my most beloved friend. He will always save me.
But if we are unfortunate and think otherwise, then we may leave him and go to our house and marry. Therefore, the high class devotees remember the Astakali Lila of Radha Krishna. That after taking the Srimati Radhika's cookie in Nanda Bhavan, that time Sri Krishna, Sri Balaram, and thousands of cowherd boys go cow grazing to different forests of Vrindavan, following him on Nanda Baba and Sri Yasoda, entreating Krishna. At that same time, Srimati Radhika approaches her mother-in-law, Jatila, and requests, now is a good time to go for the worship of the sun god. Therefore, Srimati Radhika also exits the house. And at that same time, Krishna has gone cow grazing. Sri Nanda Baba is following Sri Krishna as he goes cow grazing. And till that time, the dust raised from the cows has not fallen to the earth, then Sri Nanda Baba remains there. What is the condition of the gopis at that time? Though they are in their house, they are not happy, and their condition has been described in Vedic. Therefore, the high class devotee, as they chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, they remember these pastimes of Sri Radha Krishna. Go then, Hare Krishna. One announcement, please. This afternoon at 3 o'clock, Kun Restoration Group will conduct its first annual meeting. We will also introduce Earth Mom, our international trust. You're all cordially invited to come. Please come 3 o'clock from 3 to 4 this afternoon, right here in the temple room. Thank you. Hare Krishna.